गया है ये, भगवान उठाओ इसको कोई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि शाम का वक्त है और शाम का वक्त में आप लोगों को एक धमाकेदार वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा 30 का अनबॉक्सिंग वीडियो। यानी कि ये तो थोड़ा स्पेशल, आप लोगों को बोले तो बहुत ज़्यादा स्पेशल लगना चाहिए। और इसमें क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कुछ गिफ्ट, और गिफ्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा दमदार होगा, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पापा जी ने हम लोगों को पैसा दिया था कि जाओ बाबू गिफ्ट जो है ये इसमें से जाओ जाके ले लो, बस हमको जाके लेके आना था, तो हम और दीदी गए थे तो लेके आ गए हैं। तो बस आप लोग देखते जाइए कैसा रहा वो पूरा चीज। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग वीडियो अभी तक देखे हैं और अभी देखने वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए कि कैसा लगा। चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। लड्डू का एक बहुत ज्यादा शरारती भी इसने किया हुआ है, तो आप लोग बस बनाए रखिए वीडियो, देखिए। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ब्लॉग है वो अभी थोड़े वक्त के लिए अभी थोड़ा डिले जा रहा है, क्योंकि पापा का गिफ्ट अभी रास्ता में आ रहा है। और इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो दीदी ने गिफ्ट किया है, बहुत ही खूबसूरत सा चीज। तो इसमें है, आपको देखने को क्या मिल रहा है, बस जल्दी देखते चाहिए। तो सबसे पहले आपको मम्मी कुछ बताएंगी। ये हमको 30 पे पूजा और इसके हस्बैंड गिफ्ट किए हैं, तो हम तो पहन नहीं पाए हैं, लेकिन ये देखें कब पहन रहा है, तो ये आप लोग को दिखा रहा हूँ। जो देखिए बॉर्डर कितना खूबसूरत है। आपको कैसा लगा मम्मी दीदी का गिफ्ट? हमको बहुत अच्छा लगा, और मेरा फेवरेट है लक्ष्मीपति का साड़ी, हम फेवरेट हम पहनते भी हैं। और इस साड़ी को देख के पापा बोले हैं कि प्रिंस की शादी में यही पहन सकती हैं। हाँ, अच्छा है कि, तो पापा मम्मी बोली यही पहनेंगे क्या हम साड़ी। ये ऐसा है प्रिंस की शादी का। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ साथ एक और चीज है जो कि है बहुत ही प्यारा सा बैंगल। अब इसमें कढ़ाई जो देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत हुआ है। और ये वाला जो है ना, ये कैसा अच्छा, ये कैसा लगा मम्मी साड़ी? बहुत खूबसूरत साड़ी है। और गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा गिफ्ट, इसके लिए इन लोगों को थैंक यू। और बेटी और दामाद और बेटा में कोई अंतर नहीं है, तो इन्होंने हमको गिफ्ट किया। हेलो, अच्छा लगा। 30 पे हम नहीं पहन पाए, हम पहले के साड़ी रखे हुए थे, तो वही। तो इसका ब्लाउज गाइज इतना सुंदर है, हम देखे तो हमको अच्छा लगा। यहाँ पे है, और जिस साड़ी का ब्लाउज अच्छा रहता है वो साड़ी खूबसूरत होता है। ब्लाउज, और देखिए ये बाजू पे दिया हुआ है, और ये बैक है, और ये फ्रंट, दोनों सेम दिया है, और ये बाजू है। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा साड़ी। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। पहने
तो बहुत खूबसूरत है। आप लोगों को जरूर दिखाना था क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि चलो दिखा देते हैं कि क्या गिफ्ट मिला है। हर बार तो हम देते हैं पूजा को, लेकिन इस बार ये बोली कि नहीं मम्मी हम देंगे आपको, तो ये खरीद के लाई। अच्छा, और इसके साथ है ये बैंगल्स, ये आया है वैष्णो माता। और वैष्णो माता के यहाँ से आया है प्रसाद, और इसके घर से सारे फैमिली गए हुए थे वहाँ, तो वो लोग लेके आए हैं मेरे लिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये गिफ्ट मुझे मिला है। और चूड़ी बिंदी सिंदूर ऐसा चीज़ है कि कहीं कोई तीर्थ धाम पे जाता है तो अपने फैमिली में ले जाता है देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या लगता है कि पापा जी क्या गिफ्ट देने वाले होंगे? पता नहीं पापा तुम्हारे 30 पर हमको क्या गिफ्ट दे रहा है, तू लोग मिल के दे रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो अभी कुछ भी हो सकता है, गाय जी जान रहा है लोग कि मेरा तबीयत खराब है, इसलिए सब दे दे के खुश कर रहा है लोग हमको। इनको स्कूटी मिलने वाला है और उसके बाद ऑपरेशन। बस गाइस सस्पेंस में देखते हैं, इसलिए हमको दे रहा है लो इन लोग, जान रहा है कि मम्मी को क्या नहीं है इनके पास, वो चीज ही लोग हमको जल्दी से पूरा कर रहा है लो। ये तो एक ठहर ही क्या। तो बस वीडियो देखते जाइए और बताइए कैसा लगा ये प्यारा सा साड़ी। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आपको ये ज्यादा अच्छा लगा या बैंगल्स ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को साड़ी अच्छा लगा, आपको मम्मी दोनों ना? मेरे दोनों अच्छा लगा, लेकिन ज्यादा साड़ी से खूबसूरत मुझे चूड़ी अच्छा लगा, इसलिए कि सुहाग का चीज है सिंदूर बिंदी। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग बताइएगा कमेंट करके साड़ी या बैंगल्स। अभी एक और ट्विस्ट बाकी है, पापा वाला गिफ्ट वो कल मिलेगा वीडियो में, पता नहीं अभी लास्ट तक आ भी सकता है तो दिखने को मिलेगा, नहीं तो कल पक्का मिलेगा। बस वीडियो में बने रहिए और आप लोग बताइए कि कैसा लगा। चलिए देखते हैं वीडियो को आगे लेके। तो गाइज आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि अभी हम रेडी हो चुके हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन एक मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार से एक गाड़ी गिफ्ट करने के लिए लड्डू को लेके आई थी। तो आप लोग देखिए कि क्या हुआ उस गाड़ी का। सब लोग बोल रहा था कि इतना स्ट्रांग है वो, कभी टूटता नहीं है अबूजा सीमेंट से जो बना हो, लेकिन लड्डू जो वो ऐसा काम कर दिया है कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस गाड़ी का पार्ट पुर्जा तक नहीं बचा है। तो चलिए आप लोगों को अभी आगे का ढलाई होता है वो गिरा है, पीछे का भी बाकी है, तो बस देखते जाइए, रिपेयर भी कर रहा है। चलिए देखते हैं वीडियो को लेकर, सेट कर रहा है। बस, बस। ये कौन लड़की है जी? हाय बोलो। हाय हाय गाइस, हाउ आर यू? पूछो तनी, कमेंट पढ़िए तो मम्मी, किसका किसका कमेंट आया? खड़ा हो जाइए तो छाजा पर सर हटा के। कैसे क्या हो गया ये? भगवान उठाओ इसको कोई। सर का अटका दे। एक कमेंट आया, मम्मी आप लिपस्टिक लगाइए फिर से वही। ससुराल लिपस्टिक भी हुई है, सारा दुनिया आगे बढ़ गया, चांद पे चल के आ गया वापस, आई लिपस्टिक के पे आ गया। कोई बात नहीं, हर आदमी को कुछ ना कुछ चीज पर ध्यान रहता है, तो उसको मेरे लिपस्टिक पर ध्यान है। गॉड ब्लेस यू आंटी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। अरे थैंक यू नहीं, कोई बोला है तो उन्हें पता है, तो हम इसमें देखेंगे अभी तब ना निकालेंगे। 16 सिंगर। तो गाइस ये ट्रैक्टर जो है हम लोग खरीदे थे गोरखपुर से, सारा ठीक कर दिया है। क्या बोल रहा है? सबसे पहले ये निकलता है, फिर ये दो। अभी क्या हुआ था, किस पे बैठा था? हे पे बोलो। तो गाइस इस पे बोल रहा है कि ये बैठ गया था ट्रैक्टर। किस पे बैठ गया था? वो बताई कि इस पे बैठ गया था, तो वो बोली है पे बैठ गया था, तो इसीलिए बोल रहा है पे।
तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ कि लड्डू जो है सोया हुआ था और सोते में क्या हुआ कि अचानक से रोने लगा, तो मम्मी पूछती है भूख लग रही है, पेट इसका देखो एकदम भर सा है। बोल रहा है कि आपका लेटर क्यों नहीं आया।